अस्सलाम बसमिल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों आज है 25 मार्च सन दो हज़ार औरत दिन है पीर का सोमवार का माशाल्लाह से आज 14 रमजान और मुबारक यानी 14 रमज़ान चौदह सौ पैंतालीस हिजरी है आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो पाँच से छः मिक्स न्यूज़ हैं तो सबसे पहले बात करते हैं माशा से यू एन एनिनी अवी मतदा की जो सलामती कौंसिल है उसने क़रारदार पास की है और उस करारदादा के मुताबिक कहा गया है जो गज़ा में फ़लस्तीन में जो जंग बंदी है वो जल्द से जल्द उसको बंद किया जाए इसी के साथ ही नंबर दो पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में टूरिस्ट की आमद के हवाले से एक रिकॉर्ड इजाफ़ा देखा गया है और माशाला से अगर बात करें ओमान के अंदर जो टूरिस्ट 2023 में आए थे टोटल तो उनकी तादाद थी फोर मिलियन इशारिया थ्री यानी फोर इशारिया थ्री मिलियन और इनमें 2024 में चौबीस इशारिया सेवन परसेंट जो है इजाफा देखा गया है और 5 मिलियन का जो माइलस्टोन है लगता है कि इस 2024 में जो है वो कंप्लीट होगा और 2024 में जो टूरिस्ट की टोटल आमद का एक तखमीना जो अंदाज़ा लगाया गया है वो फाइव इशारिया थ्री मिलियन तक जो है वो हो सकता है और माशाल्लाह से ओमान के अंदर टूरिस्टों के लिए और इसके अलावा जितने भी ओमान के अंदर रहते हैं काफ़ी ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं सेफ्टी के हवाले से लाइफ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो सहूलियात दी जाती हैं ताकि जो भी उमान के अंदर पहुँचे वो अपनी लाइफ बहुत ही पुरसकून तरीके से जो है वो गुजार सके तो आप ख़ुद उमान में रहते हैं तो आप बेहतर जानते हैं इसी के साथ नंबर तीन पर जो न्यूज़ है वह है जी ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बन तारक साहब की तरफ से बंग्लादेशी प्रज़िडेंट को योम आज़ादी के मौके पर जो है वो मुबारकबाद पेश की गई है इसी के साथ नंबर चार पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर बीक मांगने के हवाले से जो है वो जुर्म है यानी बीक मांगना जो है वो जुर्म है और इसकी सज़ा और जुर्माना जो है वो भी हो सकता है इसी के साथ नंबर पाँच पर जो न्यूज़ है वो है जी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया है कि अवामी मकाम पर बिला वजह चीखना शोर मचाना या किसी को तंग करना कोई ऐसे आलात यूज़ करना जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन और जेल की सज़ा जो है वो हो सकती है और इसमें तीन महीने की जो क़ैद के बारे में कहा गया है और तीन सौ रियाल का जो फ़ाइन है वो हो सकता है तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए अगर आप बाहर किसी अवामी मकाम पर मौजूद हैं और कोई आप ऐसा कोई आपके पास डिवाइस है तो उसे बंद ही रखिए ताकि आप फाइन वग़ैरह से और जेल से बच सकें बाकी आप ये ख़ुद समझदार हैं, ये चीज़ें कौन ज़्यादा करते हैं और ये किन के लिए है इसके साथ नंबर छः पर जो न्यूज़ है वो है दफार, दफार, अलवस्वन रेड अल दा गन रेट और अल ब्रेमिक गन ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि इन तीन से चार जो गडेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल सकती है और हवा चलेगी तो ज़ाहर है हवा के अंदर रेट और मट्टी वगैरह दूर वगैरह जो है वो शामिल होंगी जो भी ड्राइवर हज़रत हैं वो भी ख़ास एहतियात करें ख़ास ख्याल रखें और वैसे ही एक से दो दिन पहले जो कहा गया था 26 और 27 मार्च को ओमान के मुख्तलफ इलाकों में बारिश के चांस भी बताए गए थे और मे भी हो सकता है कि आने वाले एक से दो दिनों में मान के मुख्त जो हिस्से हैं मुख्तल वन रेड के हिस्से हैं उनमें बारिश भी हो जिसमें अलजिर माउंटेन है और दूसरे कुछ मुख्तलफ जो गनड्रेड के इलाके हैं तो इसके हवाले से भी कोई मज़ीद जैसी अपडेट है इन शाला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसी के साथ नंबर सात पर जो न्यूज़ है वो है जीराइल ओमान प्लीस के मुताबिक जो है एक अफ्रीकी खारजी एक अफ्रीकी आदमी को शख़्स को गिरफ़्तार किया गया है और उस शख्स का कारनामा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान के अंदर डबल शाह का काम था और उस अफ्रीकी ने एक ओमानी को धोखा देकर उससे बाईस हज़ार उमानी रियाल जो ले लिए थे यानी उससे कहा था कि मैं इसको डबल करके दूंगा तो बाईस हज़ार मान रल का धोखा दिया उसको और वो शख्स पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई जो है वो उसके ख़िलाफ़ की जाएगी डबल शाह के बाद में बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं लेकिन वो जो कर चुका है उसका अब नेमल बदल नहीं हो सकता वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला उसकी जो ख़तएँ हैं जो अल्लाह ताला उसकी जो अ, जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए तो ये थी आज की चार से पांच मिक्स न्यूज़ उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है कि पसंद है तो, तो लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टैक विद उर्दू को तो टैक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और लास्ट वाली न्यूज़ में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसके लिए भी अल्लाह हाफिज़